Okay then, good afternoon to all of you. Hello everyone. Welcome to Countryside HP exam. आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक इंस्पेक्टर 819 पोस्ट कोड के बारे में. तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट टॉपिक वाइज सिलेबस रहेगा. तो आप लोगों को जितने भी इसमें टॉपिक आते हैं, किस तरह का आप लोगों का ये एग्ज़ाम होगा, इसी के बारे में आप लोग मुझे काफ़ी दिन से मैसेजेस कर रहे थे और आप लोगों ने कहा था कि इसके रिगार्डिंग कोई कोर्स लॉन्च कर दीजिए या कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दीजिए. ठीक है, तो जितना हो सका मैंने उतनी आप लोगों के लिए कम फीस रखी है इसके लिए और आप लोगों को मैं एक बेटर एक कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ और साथ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज तो मैं कभी किसी चीज़ को कहता नहीं हूँ, ना तो मैं मॉक टेस्ट कहता हूँ. ठीक है, मेरे पास जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलते हैं वो मिलते हैं टॉपिक वाइज. टॉपिक वाइज कहने का मतलब है अगर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दूंगा तो साथ में सोल्यूशन भी दूंगा. आप लोगों को कहीं से भी कोई भी अगर आप मॉक टेस्ट खरीद रहे हो तो आप लोगों को मॉक टेस्ट तो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे बट आप लोगों को उसका सोल्यूशन नहीं दिया जाएगा. बट मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की है एक नया थोड़ा सा एक नया ट्रेंड ही समझिए इसको कि आप लोगों को कोई पर्सन है एक वो कि आप लोगों को साथ साथ में सोल्यूशन भी दे रहा है और साथ में ही आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर भी दे रहा है. ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे वीडियो और इसके ऊपर मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि इसके ऊपर मेरा बैच पहले से स्टार्ट है. अगर आप लोगों को बैच चाहिए तो मिल सकता है बट ये रिकॉर्डेड बैच होगा, प्री रिकॉर्डेड बैच. अब इस बैच में क्या होगा इस चीज़ को ध्यान से सुनिए. एक तो इसमें आप लोगों को कम्प्लीट सिलेबस जितना भी है आप लोगों का उसकी कम्प्लीट वीडियोज मिलेंगी और साथ में आप लोगों को टॉपिक वाइज डिटेल सोल्यूशन प्रैक्टिस सेट मिलेंगे. देखो, मॉक टेस्ट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, मॉक टेस्ट मैं क्यों प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ. मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाने का एक तो मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को सीधे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए और आप लोग सॉल्व करके चले गए. देखिए, टॉपिक वाइज डिस्कशन करने का ये मतलब होता है कि आप लोगों ने कोई भी टॉपिक पढ़ा हो तो उससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों को सारे आने चाहिए. तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा और जो मुझे टफ लगेगा क्वेश्चन उसका मैं साथ में डिटेल सोल्यूशन भी देता रहूंगा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है. बट इजी क्या रहता है हमारे लिए, इजी रहता है मॉक टेस्ट बनाना. मॉक टेस्ट में क्या होता है, हम आप लोगों को 10 मॉक टेस्ट दे देंगे. 10 मॉक टेस्ट के अंदर मैं 170 क्वेश्चन में 1700 क्वेश्चन दे दूंगा, 1700 क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद ना तो कोई डिटेल उसमें होगा ना कुछ होगा. ठीक है, पर जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट होंगे इसमें क्या रहेगा, आपको बस 1700 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 1700 क्वेश्चन से कई गुना क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे. और इसका बेनिफिट ये रहता है कि आप लोगों को हर एक टॉपिक जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे. अब मैंने यहाँ पे जो पहले फीस रखी थी, जो मैंने लाइव बैच दिए थे, उसमें मैंने 2000 रुपये सिर्फ वीडियोस की थी बट अब मैंने इसको कम कर दिया है, 1000 रुपये में मिलेंगी. बट जो मेरे प्रैक्टिस सेट होंगे इसकी जो फुल फीस रहेगी वो 500 रुपीज़ रहेगी. चाहे आप लोग मेरे स्टूडेंट हो या आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तब भी आप लोगों को सेम फीस ही पे करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और आगे देखिए आप लोगों को क्या रहने वाला है टॉपिक. तो यहाँ से आप लोगों ने समझना है कि मैं आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाला हूँ. तो जो मेन दो टॉपिक हैं जहाँ से आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन हिट होते हैं और इन्हीं टॉपिक में क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि बता दीजिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, अब देखिए, जो मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज जो आप लोगों को वीडियोज़ भी दूंगा, वीडियोज़ में मैंने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है जितने भी ये टॉपिक हैं, चाहे वो हिस्ट्री का है, चाहे वो ज्योग्राफी का है, चाहे वो पॉलिटी है, इकोनॉमी है. आप लोगों की साइंस आप लोगों को मैंने अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाई है और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं साइंस के लेक्चर नहीं देता हूँ, साइंस के आप लोगों को एमसीक्यूज ही मिल जाएंगे, उनको अगर अच्छे से कर लोगे तो बेटर रहेगा. ठीक है, मॉक टेस्ट में कोई सॉरी आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं नोट्स नहीं देता हूँ. मेरे जितने भी नोट्स हैं वो आप लोगों को बताया हैंड रिटन होते हैं तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा. बट आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी नोट्स की, अगर वीडियोज देख ली साथ में मॉक टेस्ट देख लिया आप लोगों के लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप दोनों चीज़ें देख लीजिए अच्छे से और आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा. आप लोगों की मेरिट कितनी जा सकती है मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ. अगर आप लोगों के 75+ मार्क्स हैं तो आप लोग इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं बिकॉज आप लोग जानते हैं कि जनरल के इसमें 4 वैकेंसी है. आई थिंक इसमें ST की वैकेंसी नहीं है, SC की है, वो कितनी है, एक है और एक और है, वो आप लोगों की एक वैकेंसी, कुछ ऐसा सिस्टम है इसका. तो इसमें मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी आप लोगों की. तो टॉपिक देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर आप लोगों को आना चाहिए जिसमें आप लोगों के जैनिज्म बुद्धिज्म आते हैं, इन्हीं में आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर निकल के आता है. अकबर वगैरह हुमायूं का भी आर्ट एंड कल्चर जो मैंने बताए थे. ठीक है, दक्कन और संगम डायनेस्टी, इंडस वैली आपको अच्छे से आने चाहिए, जैनिज्म,
मौर्यन एम्पायर, मगध एम्पायर, हर्षवर्धना एम्पायर, वैदिक, मेडिवल जो आप लोगों का होगा उसमें, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, भक्ति मूवमेंट, गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, लोधी एंड सैयद डायनेस्टी, तेलुगु तुगलक डायनेस्टी, मराठा एम्पायर, सिख एम्पायर, मुगल एम्पायर, और आप लोगों का जो रिवॉल्ट हुआ था ब्रिटिश रूल में उसके बारे में, और मॉडर्न हिस्ट्री। जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दूंगा, ये 20 ऐसे आप लोगों को टॉपिक दिख रहे हैं, 20 टॉपिक के 20 ऐसे ही आपको एमसीक्यू टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। इसी तरह आप लोगों का ज्योग्राफी रहेगा, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को देखने को मिलेगी पूरी, यूनिवर्स आप लोगों का होगा अर्थ होगा, एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर आप लोगों का, लिथोस्फेयर आप लोगों का, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते बट फिर भी मैंने इसके क्वेश्चन ऐड किए हैं तो देख लेना। क्लाइमेट आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी का बात की है, एग्रीकल्चर आप लोगों का, इंडियन रिवर्स लेक एंड वाटर आप लोगों का, नेचुरल रिसोर्स आप लोगों के क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इन इंडियन ज्योग्राफी, ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए, मिसलेनियस जितने भी होंगे, वर्ल्ड लेवल पे आप लोगों का क्लाइमेट और वेदर, वर्ल्ड लेवल पे एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्री, वर्ल्ड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया हुआ है, ये भी आप लोगों को आएंगे, और वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को वीडियोज़ में भी अच्छे से डिस्कस की हैं और आप लोगों को मॉक में भी देखने को मिलेंगी। तो ये टॉपिक आप लोगों को करने ही करने हैं, आप लोगों का ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक का आप लोगों को मैं बताऊं, देखो सिंपल सी बात है, 120 मार्क्स का आप लोगों को जीके आएगा, साथ में करंट होगा इसी में, और एचपी जीके भी इसमें ही होगा, बाकी जो सॉरी 120 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन, सॉरी जो 50 क्वेश्चन आप लोगों को अलग से आएंगे, उसमें आप लोगों को रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी होगी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, और आप लोगों को वर्ड प्रोसेसिंग होगा, वर्ड प्रोसेसिंग में एमएस वर्ड होगा, उसके भी मैं आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाऊंगा और साथ में डिटेल वीडियोस। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। इनके अलावा क्या क्या पढ़ना है आप लोगों ने, इनके अलावा आप लोगों ने साइनोनिम्स करने हैं, एंटोनिम्स करने हैं, करेक्ट स्पेलिंग करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने करना है, वॉइस नरेशन, प्रेपोजिशन। ठीक है, सब कुछ करवाया हुआ है, और साथ में इसके एमसीक्यूज भी आप लोगों को दे दिए जाएंगे प्रैक्टिस सेट में। ये सिर्फ उन्हीं को दिए जाएंगे जो कि एक्स्ट्रा 500 पे करेंगे। ठीक है, 1000 में मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। इंडियन पॉलिटी में देखिए आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को आने चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हो रहे हैं आप लोगों के, ये देखना। और ये मैंने सारे डिस्कस किए हैं, 20 से 25 लेक्चर इसके आप लोगों के होंगे, ये सारे देखने हैं आप लोगों ने अच्छे से। इंडियन इकोनॉमी आप लोगों को पूरे लेक्चर मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को आई थिंक 15 से 20 लेक्चर होंगे मेरे हिसाब से, और एमसीक्यूज आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एटलीस्ट आप लोगों को 150+ एमसीक्यूज होंगे, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली हिट होते हैं। साइंस आप लोगों को मैंने कहा, साइंस के तो आप लोगों को सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, बट आप लोगों को मैंने वीडियोज नहीं दूंगा इसमें, मैंने पहले भी बोला है, तो एमसीक्यूज आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। एमसीक्यूज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के मैंने अच्छे से बनाए हुए हैं, आप लोगों को प्रोवाइड होंगे, और एमसीक्यूज आप लोगों को मंडे से मिलेंगे, अभी नहीं दूंगा। रीजनिंग के पूरे लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों का हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में ये सारे टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ने हैं, और हिमाचल प्रदेश में सिर्फ वीडियोज मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को एमसीक्यूज में प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, बट एमसीक्यूज में दे दूंगा आप लोगों को, एक और सोर्स है मेरे पास, उससे हम आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, करंट अफेयर्स आप लोगों को पूरे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आप लोगों को जनवरी से करंट अफेयर पढ़ने हैं, वहां से आएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग आप लोगों को कंप्लीट एमएस वर्ड आप लोगों को आना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को होंगी, और इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, सारा कुछ दिया जाएगा, वीडियो प्लस एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों के जो एक आप लोगों को कंप्लीट पढ़नी है इस एग्जाम के लिए, इसके सिलेबस के लिए, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ना है, यही टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास 2 मंथ अभी हैं, जितना जल्दी आप लोग इसको पढ़ेंगे और जितना जल्दी इसको प्रैक्टिस करेंगे, मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूँ आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। और ये जो बैच आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम होंगे और जो आप लोगों के प्रैक्टिस सेट होंगे, वो सारे में काम आएंगे। आप लोगों को एक बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी ना तो कहीं से और कोर्स खरीदने की, ना कुछ चीज पढ़ने की। ठीक है, इन इन बैचेस को पढ़ने के बाद, इन प्रैक्टिस करने के बाद, आप लोगों को कोई भी ऐसी बुक नहीं होगी जो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व ना करवा सके। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक था। मैं आप लोगों को एक कंप्लीट कोर्स, जो वीडियोस होंगी आप लोगों की, और प्लस आप लोगों का जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज होगा, इसके बारे में आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं डिटेल में समझा दूंगा कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, जिसको लगता है कि मुझे पढ़ना है और मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। धन्यवाद।